अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे एसडी किचन में। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। आज हम आपके साथ चिकन मंचूरियन की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन लिया एक प्याली, इसको हमने मोटा कीमा कर लिया इसका। एक प्याली हमने प्याज ली है, इसको हमने चॉप कर लिया। आधा चम्मच हमने लहसुन लिया, आधा चम्मच हमने अदरक लिया, आधा चम्मच हमने नमक लिया, एक चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, दो से तीन अदद हमने हरी मिर्चें लिया, इनको हमने बारीक काट लिया, एक चम्मच हमने सोया सॉस लिया, एक चम्मच हमने टमाटो केचप लिया, एक चम्मच हमने चिली सॉस लिया और एक चम्मच हमने सिरका लिया, एक से दो चम्मच हमने तिलों के लिए हैं, एक कंडा हम लेंगे, दो से तीन चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। इन सब की हम इनकी फिलिंग बनाएंगे ब्रेड की। और हमने डो के लिए हमने दो कप हमने मैदा लिया, दो चम्मच हमने सूखा हुआ दूध लिया, दो चम्मच हमने ऑयल लिया और एक चम्मच हमने ईस्ट लिया। एक कप हम इसमें अंदर नीम गर्म दूध डालेंगे और नीम गर्म ही हम इसमें पानी डालेंगे, वो आप देखेंगे कितना इसके अंदर यूज़ होता है। अब हम डो बनाने की आपके साथ अब रेसिपी शेयर करेंगे। अब हम चिकन मंचूरियन के लिए हम उसके लिए ब्रेड तैयार करेंगे। उसके लिए हमने पहले इसके अंदर दो से तीन कप हमने मैदा ये डालेंगे अंदर, साथ हम ये दो चम्मच ये सूखे दूध के डालेंगे, एक चम्मच हमने ईस्ट डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। दो चुटकियाँ हम डो के अंदर हम इसके अंदर दो चुटकियाँ नमक की ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। बाकी का भी ऐड कर देंगे साथ हम। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हम उतना ऐड करेंगे आटा हमारा अच्छे से गूंज जाए। डो हमारी हाथों से चिपक रही है। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक हम इसको गूंदेंगे। अभी मैंने इसको 10 मिनट से कम गूंदा है, 5 से 8 मिनट तक देखिए चिपकना बंद हो चुका है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें एक कप इसमें दूध गया था गर्म और आधा कप हमने पानी डाला था इसके अंदर। अगर आपके हाथों में आटा या इसकी डो चिपके तो आप जितना ऑयल यूज़ हो वो आप लगा सकते हैं हाथों पर। अब हम बर्तन को ऑयल लगाएंगे चारों तरफ इसके। अब हम इसके अंदर डो डालेंगे। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अब मैं इसको प्लास्टिक की ट्रैप से कवर करूंगी। अब 2 घंटे के लिए मैं इसको किसी गर्म जगह पर रख दूँगी। डो हमारी तब तैयार होगी इसकी, अगर इतना ये डो है इसकी डबल जब तक हो जाए वो, तब हमारी डो तैयार हो जाएगी बिल्कुल। चिकन मंचूरियन ब्रेड के लिए अब देखें हमारी बिल्कुल डो रेडी हो चुकी है। अब हम चिकन मंचूरियन के लिए हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। फिलिंग जब हम किसी चीज़ की रेडी करें तो हम इसके अंदर ज़्यादातर ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। ज़्यादा ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको भूनेंगे। अब हम इसके अंदर हमने इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको भुना, इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम थोड़ा सा पका लेंगे। कलर हमारा चेंज हो चुका है चिकन का। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे,
हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब साथ ही सोया सॉस ऐड कर देंगे, सिरका, चिली सॉस और केचप। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका जो पानी है ये भी अच्छे से खुश्क हो जाए और तब तक हमारा चिकन भी गल जाएगा। 5 मिनट मैंने चिकन को पका लिया। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अब मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। चिकन हमारा पक चुका है, देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसके अंदर से। अब चिकन मंचूरियन ब्रेड की हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी। इससे सारी इसकी हवा निकल जाएगी। इसको पंच के साथ करें। हम सबसे पहले खुशका डालेंगे। जगह को आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा पहले। इसको हम अच्छी तरह करेंगे ताकि इसकी सारी हवा निकल जाए अंदर से। मैं इसको बेल लूँगी। एक हम रोटी बना लेंगे, ना ही हम ज़्यादा मोटी रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतली। इस तरह हमने अपनी रोटी बेल ली है, देखें ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे इसको। इस तरीके से हमने डाल लिया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, आराम से हम उसको उठाएंगे इस तरीके से। फिर हम दूसरी तरफ करेंगे इसे ऐसे। अब इसको उठा के इसके ऊपर इस तरीके से। अब इन अच्छे से इनको प्रेस करा देंगे इसके किनारों को। इस तरीके से आप ऐसे कर लेंगे इसको। अब हम अपनी बेकिंग ट्रे लेंगे, कवर लगाएंगे अपनी बेकिंग ट्रे पे। इस तरह हमने रख लिया। अब इसको हम हाथों से ऐसे गोलाई की शेप देंगे। अब हम इन दोनों को ऐसे रख के बंद कर देंगे इनको। इस तरह हमारे थोड़ा ऊपर से इस तरह अब इसको डंडा लगाऊंगे गर्दी। अंडा मैंने लगा लिया, अब इसके ऊपर तिल लगाएंगे। अब थोड़ी सी इसमें मैं कलवंजी के दाने ऐड करूँगी इसकी खूबसूरती के लिए। अब 15 मिनट के लिए इसको मैं बेक करूँगी। अब 15 मिनट के लिए मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी। चिकन मंचूरियन ब्रेड हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।